चलिए कवर्धा का रुख करेंगे। कवर्धा में चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया है। पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा भी प्रचार में जुट गई हैं। बता दें कि बीजेपी को साल 2018 में इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस बार सीटिंग विधायक का टिकट काटकर नीलकंठ चंद्रवंशी को भावना बोहरा के सामने मैदान में उतारा है। इस समय बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस बार बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी ने। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की चुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण इलाके में, जहां मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी भावना बोहरा मौजूद है। उनसे जानेंगे कि भाजपा पिछले चुनाव में जो है 36,000 से अधिक मतों से हार गई थी, इस बार कैसे पाटेंगे? निश्चित ही जब से नामांकन हुआ है और पिछले 5 साल में जब से हम विपक्ष में हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने लोगों को परेशान किया, इस बार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, ये आम जनता का संकल्प है कि 36×2 करके हम उसका हिसाब पूरा कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, किस तरीके की प्रतिसाद मिल रहे हैं लोगों की? लोगों का विश्वास दिख रहा है कि अगर भावना दीदी आती है तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। आपने कुछ क्षेत्र जैसे कुकदूर हो गया, पांडात्री हो गया, रणवीरपुर हो गया, इन इलाकों में कुछ घोषणाएं भी की है, जहां पर कुछ सेक्टर कुछ बूथ बनाने की बातें कही है? जी देखिए, घोषणा मैं नहीं कहूंगी, हर व्यक्ति का अपना कुछ उद्देश्य रहता है। राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य जो जनसेवा है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो आता है, राजनीति तो नहीं आती लेकिन सेवा का भाव जरूर है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे कार्यकर्ताओं को या मेरे लोगों को कभी मेरा कार्यालय ढूंढने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए मेरे घर तक ना आना पड़े। तो प्राथमिकता यही हमने तय की कि हर मंडलों में, क्योंकि 7 मंडल है हमारे पंडरिया विधानसभा में, तो 7ों मंडल में एक जनसेवा कार्यालय, एक विधायक मतलब जनसेवा के रूप में एक विधायक कार्यालय खोला जाएगा। रणवीरपुर से आप कैसे निकल के इतने दूर सफर करते हैं? 15 साल जब सत्ता में थे, लगातार हमारे कार्यकर्ता जमीन पर जुड़ कर ही काम कर रहे, तो हमारे लिए ये कोई नया नहीं है। जी गला पूरी तरह से बैठ चुका है और चुनावी असर भी बोलिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोगों को मैं अपनी बातें पहुंचा रही हूं और लोग मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है। ये थी भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा। देखिए गला बैठ गया है, बावजूद चुनाव प्रचार में किस रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं आप सीधे तस्वीर के माध्यम से। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में जो है 36,000 को पार कर जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। कवर्धा से ABC24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।